एक उद्योगपति आए थे, दो आए, तीन आए, चार आए, उन सबको यहाँ बुलाया, अच्छा खाना खिलाया गया, अच्छी अच्छी पॉलिसी बनी, आप देश को कहाँ ले जा रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट, बड़े बड़े उद्योगपति आए थे, जो अभी नाम लिया था हमारे किसी साथी ने, किसी एक को नहीं मिला, केवट समाज को, कार समाज के लोगों को, पता नहीं सर्टिफिकेट कहाँ से आए, कहाँ चले गए। तो भैया अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जिन्होंने समाजवाद को नई राह दिखाई और जिन्होंने हमें लाल टोपी दी, उनके लिए ही उस गेट पर चढ़कर अंदर पुष्प चढ़ाने के लिए गया। अखिलेश यादव का ये वो अंदाज है जिसके बाद समाजवादी बॉय अब नए जोश में है। दरअसल समाजवादी पार्टी पिछले दिनों जेपी की जयंती मनाने के लिए JPNIC में जाना चाहती थी, लेकिन सरकार ने अनुमति न देते हुए गेट बंद करवा दिया और बैरिकेड लगवा दी। लेकिन तभी अखिलेश यादव आगे बढ़ते हैं और सीधे ऊपर चढ़ जाते हैं। इस घटना पर अखिलेश यादव ने कहा कि आपने म्यूजियम को बर्बाद कर दिया, इसलिए आप उसे देखने नहीं देना चाहते हो। झगड़ा ये बहुत पुराना है, आज का नहीं है। हम समाजवादी लोग किसी के अन्याय के साथ भी नहीं, अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। बीजेपी के लोग इजराइल पे बात करते हैं लेकिन मणिपुर पे बात नहीं करते हैं, इसको किस तरीके से देखते? छोड़िए, आप उतने दूर मत जाइए, यहाँ डेंगू से गरीब को बचा लो, यहाँ पर अस्पताल में दवाई दे दो, फोन करें तो एम्बुलेंस आ जाए, भाई इतना कर दो, इसराइल मत जाओ। देखिए ये अलग विषय है, लेकिन भारत की जनता और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने जा रही है। आज किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, सर्टिफिकेट बढ़ रहे हैं लखनऊ में नौकरी के, पता नहीं सर्टिफिकेट कैसे हैं कि हमारे बिंद, निषाद, कश्यप और हमारे मछुआ समाज के किसी एक को नहीं मिला, केवट समाज को, कार समाज के लोगों को, पता नहीं सर्टिफिकेट कहां से आए, कहां चले गए। चरम सीमा पर बेरोजगारी, महंगाई, आप महंगाई में बात नहीं करना चाहते हैं, इसराइल के झंडे लगा दिए किसी ने, डीजल पेट्रोल की कीमत क्या है, आप देश को कहां ले जा रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट, बड़े बड़े उद्योगपति आए थे, जो अभी नाम लिया था हमारे किसी साथी ने, एक उद्योगपति आए थे, दो आए, तीन आए, चार आए, उन सबको यहाँ बुलाया, अच्छा खाना खिलाया गया, अच्छी अच्छी पॉलिसी बनी, आज जमीन पे क्या उतरा हुआ इन्वेस्टमेंट, आप बताइए, कहीं कारखाना लग गया हो तो बता दो, कहीं उद्योग लग गया हो तो बता दो। यही बीजेपी वाले कह रहे थे बुंदेलखंड में प्रधानमंत्री जी गए। वही अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर आगे कहा कि अब तक किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया होगा कि किसी महापुरुष के कार्यक्रम में किसी को जाने से रोका हो। उन्हें तो ये कहना चाहिए था, ये बताना चाहिए था कि आखिरकार लोकनायक जयप्रकाश जी के नाम पर जो म्यूजियम बना है, उस म्यूजियम पे ताला किसने लगवाया। कभी उत्तर प्रदेश में किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया होगा कि किसी महापुरुष के कार्यक्रम में अगर कोई शामिल होना चाहता है तो उस शामिल नहीं होने दिया जाए, ताला लगा दिया, न जाने कहां से सड़ी गली और बिल्कुल थर्ड क्लास टीन लगा दी, पुलिस लगा दी, अधिकारी बुला लिए कि आप माल्यार्पण न कर पाए। ये कौन से संविधान में है, ये किस सरकार ने करना है, क्या सरकार इस बारे में बताएगी कुछ? ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।